नगर निगम के सरताज, आपको बताएं जयपुर ग्रेटर की मेयर बनी बीजेपी की सौम्या गुर्जर। सौम्या गुर्जर ने कांग्रेस की दिव्या सिंह को हराया। सौम्या गुर्जर को 97, दिव्या सिंह को मिले 53 वोट। जयपुर ग्रेटर की मेयर बनी बीजेपी की सौम्या गुर्जर। सौम्या गुर्जर ने कांग्रेस की दिव्या सिंह को हराया और सौम्या गुर्जर को 97 जबकि दिव्या सिंह को 53 वोट मिले। बात जयपुर हेरिटेज की करें तो कांग्रेस की मुनेश गुर्जर बनी मेयर। मुनेश गुर्जर ने बीजेपी की कुसुम यादव को दी मात। मुनेश गुर्जर को 56 जबकि कुसुम यादव को 44 वोट मिले। ये वो जगह है जहां पर शुरुआत से ही कांग्रेस ने दावा किया कि वो वोट बनाएगी और निर्दलीय उनके साथ हैं। हुआ भी वही, अब जब फाइनली वोट बना है तो मुनेश गुर्जर यहां पर मेयर बनी है और उन्होंने बीजेपी की कुसुम यादव को मात दी। हालांकि बीजेपी अंत तक ये दावे करती रही कि हम हेरिटेज में बनाने जा रहे हैं बोर्ड, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शुरुआत से ही जो कांग्रेस है वो यहां पर पकड़ बना के नजर आई और साथ ही जो निर्दलीय हैं उनको अपने साथ लेने में कामयाब रही। बात जोधपुर की करें तो जोधपुर उत्तर में कांग्रेस की कुंती देवड़ा मेयर बनी है। कुंती देवड़ा ने बीजेपी की संगीता सोलंकी को हराया। कुंती देवड़ा को 61 जबकि संगीता सोलंकी को 19 वोट मिले। जोधपुर दक्षिण से बीजेपी की वनिता सेठ मेयर बनी। जोधपुर उत्तर की बात अगर करें तो कांग्रेस की कुंती देवड़ा यहां पर और जोधपुर दक्षिण की अगर बात करें तो बीजेपी की वनिता सेठ मेयर बनी। वनिता सेठ ने कांग्रेस की पूजा पारिक को हराया। वनिता सेठ को 45 जबकि पूजा पारिक को 35 वोट मिले। और चलिए जोधपुर के बाद बात कोटा की, जहां सबसे दिलचस्प रहा कोटा दक्षिण। हालांकि बात पहले कोटा उत्तर की, जहां पर कांग्रेस की मंजू मेहरा मेयर बनी। मंजू मेहरा ने बीजेपी की संतोष बैरवा को मात दी। मंजू मेहरा को 50 जबकि संतोष बैरवा को 19 वोट मिले। बात कोटा उत्तर निगम में एक वोट खारिज भी हुआ। और जो सबसे दिलचस्प था अगर इस पूरे निगम में तो बात कोटा दक्षिण की अगर हम करें तो यहां पर कांग्रेस के राजीव अग्रवाल महापौर बने। राजीव अग्रवाल ने बीजेपी के विवेक राजवंशी को हराया। राजीव अग्रवाल को 41 जबकि विवेक राजवंशी को 39 वोट मिले। राजीव अग्रवाल ने बीजेपी के विवेक राजवंशी को हराया। राजीव अग्रवाल को 41 जबकि विवेक राजवंशी को 39 वोट।